पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, मैं इस मिस बलिदान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में सुनाते हैं और प्रभु कहते हैं कि जो बीज है, वचन रूपी बीज, वह चार प्रकार की भूमियों पर गिरता है। सर्वप्रथम सड़क के किनारे की भूमि और आकाश के पंछी आकर उस बीज को चुग लेते हैं। रास्ते के किनारे की जो भूमि है, यह उस भूमि की ओर संकेत करता है जो कठोर है, पैदल चल चलकर वो भूमि सख्त हो गई है। बीज उस पर गिरता है लेकिन वो भूमि बीज को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है और जल्दी ही पंछी आकर उस बीज को चुग लेते हैं। ये उन लोगों के बारे में बताता है जो प्रभु के वचन को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं और शैतान आकर इस वचन को उनके जीवन से चुरा लेता है। आवश्यकता इस बात की है ऐसे भाई बहनों के लिए कि वे प्रभु के वचन को ध्यानपूर्वक सुने, उसे समझें। दूसरे प्रकार की भूमि जो पथरीली भूमि है, यह उस प्रकार की भूमि है जिसमें मिट्टी की परत बहुत कम है। बीज गिरता है, अंकुरित होता है, चूंकि मिट्टी की गहराई कम है वह जल्दी ही सूख जाता है। यह उन भाई बहनों के बारे में इंगित करता है जिनका हृदय कठोर है, निरंतर पाप में जीवन जीते रहने के कारण हमारा अंतःकरण मृत हो जाता है, हमारा हृदय कठोर बन जाता है। हम वचन को ग्रहण तो करते हैं लेकिन हृदय में निर्मलता नहीं है, हृदय में गहराई नहीं है, इसलिए वचन जल्दी ही हमारे हृदय से लुप्त हो जाता है। तो हमें आवश्यकता है कि हम अपने आचरण को सुधारें, अपने हृदय को नरम बनाएं, अपने हृदय को पवित्र बनाएं, ताकि प्रभु का वचन हमारे हृदय में अंकुरित हो सके। तीसरे प्रकार की जो भूमि है, कंटीली झाड़ियों वाली भूमि, यह उन लोगों के बारे में दिखाती है जो संसार की मोह माया, धन दौलत और संसार की चिंताओं के बारे में अत्यधिक ग्रसित रहते हैं। बड़ी खुशी से वे वचन को स्वीकार करते हैं, वे चाहते हैं कि वे प्रभु के वचनों में आगे बढ़ें, लेकिन जीवन में संतुलन नहीं है। बहुत ज्यादा संसारिक धन दौलत मोह माया के प्रति लगाव है और इसलिए संसार की चिंताएं, धन दौलत का लगाव ईश वचन को दबा देता है और अंकुरित नहीं होने देता। ऐसे भाई बहनों को चाहिए कि वे अपने जीवन में ईश वचन को प्राथमिकता दें, ईश वचन के महत्व को समझें और उसको अपने जीवन में उचित स्थान दें। अच्छी भूमि उन भाई बहनों के बारे में बताती है जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वे 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम सबके हृदय की भूमि अच्छी भूमि में परिवर्तित हो जाए। आज प्रभु हमें सिखाते हैं कि जब हम ईश वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं
तो हमारे हृदय की आत्मिक स्थिति किस प्रकार की होनी चाहिए? अच्छी भूमि के समान होनी चाहिए, जो वचन को सुने, उसे समझे और अपने हृदय में ग्रहण करे और उसको एक अच्छा वातावरण प्रदान करे। प्रार्थना में वातावरण, ईश्वर की संगति, संस्कारों को नियमित रूप से ग्रहण करना, ये सब वचन को अंकुरित होने देंगे, उसको बढ़ने देंगे और फल लाने देंगे। और ये फल हैं पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के फल, जिनके द्वारा हम एक अच्छा जीवन जीकर प्रभु के साक्षी बनेंगे। आइए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हम सदा ईश वचन की पवित्रता को समझें, उसे बड़े आदर भाव से सुने और श्रद्धा के साथ अपने हृदयों में ग्रहण कर एक अच्छा वातावरण प्रदान करें, ताकि ईश वचन हमारे जीवन में अंकुरित हो और फलवंत हो और हमारा जीवन ईश्वर की महिमा कर सके। आइए अब हम अपने अंतःकरण की जांच करें और इसमें सब बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने सभी पापों के लिए सच्चे हृदय से प्रभु से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इससे मैं अपने कुंवारी मरियम से सब सर्वदूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाइयों और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने भक्तों पर दया दृष्टि डाल और इन पर अपने कृपादानों की वर्षा कर, जिससे वे विश्वास, भरोसे और प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा जागरूक रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यरमियाह का ग्रंथ। प्रभु कहता है, हे विद्रोही पुत्रों, मेरे पास लौट आओ, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूं। मैं तुम लोगों को सब नगरों और राष्ट्रों से निकालकर सियोन में वापस ले आऊंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहों को प्रदान करूंगा, जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। प्रभु ये कहता है, जब देश में तुम लोगों की संख्या बहुत बढ़ेगी और तुम्हारी बड़ी उन्नति होगी, तब कोई भी प्रभु के विधान की मंजूषा का चर्चा नहीं करेंगे, कोई भी उसे याद नहीं करेगा, किसी को उसका अभाव नहीं खटकेगा और उसके स्थान पर कोई दूसरी मंजूषा नहीं बनाई जाएगी। उस समय यरूशलेम प्रभु का सिंहासन कहलाएगा, सभी राष्ट्र प्रभु के नाम पर यरूशलेम में एकत्र हो जाएंगे। वे फिर कभी अपने दुष्ट एवं हठीले हृदय की वासनाओं के अनुसार नहीं चलेंगे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा।
चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। हे राष्ट्र, प्रभु का वचन सुनो, सुंदर दीपों तक ये घोषित करो, जिसने इसराइल को बिखेरा वही उसे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसे कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। अनुवाक्य, चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया और उसके शक्तिशाली शत्रुओं को पंजे से छुड़ाया। वे लौट कर सियोन पर्वत पर आनंद के गीत गाएंगे और प्रभु के दान देने आएंगे। अनुवाक्य, चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। तब कुवारियां उल्लसित होकर नृत्य करेंगे, नवयुवक और वृद्ध मिलकर आनंद मनाएंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा और उन्हें स्वांदना प्रदान करूंगा। अनुवाक्य, चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। जय घोष, हालेलुया। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपनी धीरज के कारण फल लाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब जो उसके मन में बोया गया था उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है यह वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, किंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है यह वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया जाता है यह वह है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्ट की जय।
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलिसे के लाभ के लिए आपके हाथ में से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पूज्य पिता, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा अपनी पूर्णता तक पहुंच गए। अपने भक्तों के हाथ से ये उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। जैसे हैबिल की भेंट पर तूने आशीष दी, वैसे ही इन पर भी अपनी आशीष दे। यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है वह सबके लिए मुक्तिप्रद हो, यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है
कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुध ले तथा इसे प्रेम में सद बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुध ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर ज्यादा दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, धन्य संत यूसुफ उनके वर, प्रेरित गण और सब संतों के साथ यह युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हिस्स शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानि युग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलकर पिता ईश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा याचना करें और अपने अपराधियों को क्षमा करने की कृपा मांगें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानि युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे सब जो मेमने के इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त
अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूं और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूं, क्योंकि इस समय मैं संस्कारिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकता हूं। आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूं, जैसे कि आप पहले से ही यहाँ हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। प्रभु का कहना है, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी पर ध्यान देकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहां आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें पावन संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें और तू हमारे बीच निरंतर रहने की कृपा कर। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।